पलवल जिले के कस्बा हसनपुर में लीखी मोड़ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी में छापेमारी कर सैंपल भरे और इसके बाद कस्बे में परचून की दुकान पर भी छापेमारी कर सैंपल भरे गए। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी की सूचना दूसरे दुकानदारों को लगी तो बाकी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग छूटे। सैंपल भरने वाली टीम ने इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि आजकल खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की सूचना लगातार आ रही है जिसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। हमने तो एक आइसक्रीम फैक्ट्री है सनपुर से लिखी रोड पर, उसका एक सैंपल लिया है और उनको डायरेक्शन दिए हैं रेडी करने और उनके प्रोडक्ट्स की बारीकी से छानबीन करके सैंपल के लिए ले लिया है और उसका रिजल्ट आने की बात होगी। और अब हसनपुर शहर के अंदर एक दुकान से हमने और एक सैंपल लिया है, अनफॉर्चुनेटली दुकानदार बंद कर देते हैं, इसलिए दुकानदारों से अपील है बाजार से कि दुकानों को बंद ना करें, अपना काम सुचारू रूप से चलने दें। और गर्मी का मौसम है, इसमें सरकार का दबाव रहता है। हमारे नए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आए, वो चाहते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कोई मिलावट की चीज ना हो, इसे हम बार बार चेक करते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।